शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन माता आदिशक्ति की दूसरी सिद्ध स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर में हुआ था। भगवान शिव से शादी के लिए नारद जी ने मां पार्वती को व्रत रखने की सलाह दी थी। भगवान शिव को पाने के लिए देवी मां ने निर्जला निराहार होकर कठोर तपस्या की थी। हजारों साल तपस्या करने के बाद ही मां पार्वती को तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा के दूसरे अवतार मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करें तो उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, यानी तपस्या का मूर्तिमान रूप है।